आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक एवं समपूरक कोण। अभी तक हमने कोणों के प्रकार पढ़ लिए है ना, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पूरक कोण। सब बच्चे नोट भी करेंगे और ध्यान से भी इसको समझेंगे। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं इनको नाम दे दूँ, ये इसको मैंने जैसे नाम दे दिया ओ बिंदु और ये पी और ये ए। अब यहाँ पर अगर आप देखो, एक कोण बन रहा है एंगल ए ओ सी और एक दूसरा कोण बन रहा है एंगल सी ओ बी है ना। तो एक एंगल जो है वो, एक कोण मैम जो है वो हमारे पास 40 डिग्री स्क्रीन है। रुक 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 के आ रही है। रुक के आ रही है, अभी वाली नजर आ रही है आपको जो अभी है? नो पर मैम, कोई सुनो नहीं। अच्छा एक बार सुनो, करके दोबारा ज्वाइन मैम करो, मैं इसी स्क्रीन पर हूँ। ओ बोलो, मैम और आपकी आवाज भी रुक रुक कर आ रही है। आप भी एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है, मैं भी इसी स्क्रीन पर हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लो। चलो एक बारी फिर से मैं बता देती हूँ। जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, एक कोण 40 डिग्री का है और एक मैम कोण अब तो पचास स्क्रीन ही डिग्री का है। गई। स्क्रीन ही गई? अच्छा आपको नहीं मेरी ये स्क्रीन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आपको? क्योंकि बच्चे मुझे शो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपके साथ मैम, आ नहीं, रही है आवाज आपकी। नहीं आवाज की नहीं स्क्रीन की जो प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे आप अब देखो आ रही है, आप नीचे कहीं ढूंढो, नीचे जो बने रहते हैं चार बॉक्स बने रहते हैं, किसी एक में अगर मेरी स्क्रीन हो उसको बड़ा करो। मैम देख, आ गई आ आ गई। गई ना? चलो ठीक, चलो बच्चे चलो। चालीस जमा पचास कितना हो गया? अमित के नाम से जो भी बच्चा है म्यूट करो अपने आप को। 40 जमा 50 90 डिग्री है कि नहीं? तो एक कोण 40 डिग्री का है, दूसरा 50 डिग्री का है, तो इन दोनों कोणों की माप का योग कितना हो गया? नब्बे हेलो डिग्री हेलो हो गया हेलो, ना, 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या हुए? पूरक कोण कहलाए। तो यस एंगल मैम। बी ओ सी का, एंगल बी ओ सी का पूरक क्या हुआ? आरती आरती आरती, तेरी कौन माँ है भी ये? ना भोसड़ी है। कौन था अभी ये? लास्ट वार्निंग है सबके लिए, अब अगर किसी ने अनम्यूट किया ना वो क्लास में एंटर हो ही नहीं पाएगा। चलो ठीक है, अभी इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, आगे मैं जो बताऊंगी आपको तब समझ आएगा। अब यहाँ पर आपको दो कोण नजर आ रहे हैं, एक तो ये 27 डिग्री का है, एक ये 63 डिग्री का है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो ये कोण पूरक कोण हुए, ये एक दूसरे के पूरक कोण हुए। ये कोण इस, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? अभी रुको मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ, फिर आप वहां पर जवाब देना। 30 डिग्री का, इतने सब बच्चे कैलकुलेशन कर लो। चलो बताओ 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 30 में 30 डिग्री, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं 60, क्योंकि आपको पता है एक कोण अगर 30 डिग्री का है, दूसरा कोण अगर मैंने 60 डिग्री का बनाया, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो ये समझ में आ गया, तो थोड़ा सा ना एक प्रश्न, तीन प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, सबसे
सबसे पहले वाले का उत्तर दे, अगर कोई दे सकता है तो चैट बॉक्स में लिखकर, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर फिर मैं समझाऊंगी, पहले आप थोड़ा ट्राई करो, पहले थोड़ा सा आप सोचो, फिर मैं बताऊंगी। ऐसे अगर आप तीनों का आंसर लिख रहे हो तो ऐसे करके पहले सिर्फ, चलो एक काम करो, सिर्फ पहले का आंसर दो, दूसरे तीसरे का मत दो। चलो पहले का सब बच्चे बोल रहे हैं यस। तो हाँ, क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? अब न्यून कोण मतलब जो हो नब्बे सकते हैं। डिग्री से छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े, है कि नहीं? तो मैं कोई भी, तो अभी अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, एक 30 डिग्री का कोण ले लो और दूसरा 60 डिग्री का कोण ले लो, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मुझे बता सकते हो, है कि नहीं? वेरी गुड। अब दूसरा और तीसरा बताओ, पहला तो चलो अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें ऐसे नहीं सोचना है कि हर बार दो न्यून कोण जो होंगे वो पूरक ही होंगे, हर बार नहीं होगा। अगर मान लो मैं एक 70 डिग्री का ले लूं और दूसरा 60 डिग्री का ले लूं, दोनों है तो न्यून कोण ही, पर ये हमेशा पूरक थोड़े होंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरे का दो और तीसरे का दो आंसर। सेकेंड भी नो और थर्ड भी नो, क्यों? वो समझते हैं क्यों होंगे। अब देखो सेकंड में क्या है कि क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? अब अधिक कोण, आप उदाहरण ले लो, एक अधिक कोण का 100 डिग्री का जो कोण होगा वो एक अधिक कोण होगा, है कि नहीं? अधिक कोण, अब ये तो खुद ही 90 डिग्री से बड़ा है, इसमें मैं कोई भी कोण ऐसा, इसके साथ कोई और कोण ऐसा ले ही नहीं सकती जो इसको 90, जिसको जो इसका योग जो है वो 90 डिग्री बना दे, है ना? तो इसलिए ये संभव नहीं है। अब तीसरा देखते हैं कि क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? अब जो समकोण है वो खुद ही 90 डिग्री का है, उसमें एक और समकोण अगर हम जोड़ देंगे तो वो तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे, क्योंकि पूरक के लिए हमें कितना योग चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो? मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझाती हूँ मैं। देखो, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो है, सबसे पहला प्रश्न है कि क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? सबसे पहले न्यून कोण क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, पूरक क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो न्यून कोण आपको पता है, न्यून कोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से तो छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। ए बालक चुप। जो 90 डिग्री से तो छोटा है, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा है। अब पूरक क्या होते हैं, दो कोण ऐसे जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री से छोटे दो कोण को आप ऐसे ले सकते हो आराम से, मान लो एक कोण आपने 30 डिग्री का ले लिया तो दूसरा आपको 60 का लेना पड़ेगा, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री का हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही मान लो एक कोण 20 डिग्री का लिया, दूसरा आपने 70 डिग्री का लिया, इन दोनों का योग 90 डिग्री हो गया। तो ये चारों कैसे कोण है, न्यून कोण है, और इनका जोड़ कैसा है, पूरक है, ठीक है। अब लेकिन दूसरे प्रश्न को देखते हैं, अधिक कोण। अभी आपको ये पता होना चाहिए अधिक कोण क्या है, पूरक आपको पता है, अधिक कोण बच्चे क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, 90 डिग्री से बड़ा कोण, तो कोई भी एक 90 डिग्री से बड़ा कोण मान लो, 90 डिग्री से बड़ा कोण मान लो, 100 डिग्री का कोण मान लिया मैंने। अब जो खुद एक 100 डिग्री का कोण है उसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि जोड़ के उन दो का जोड़ जो है वो 90 डिग्री हो जाए? कुछ भी नहीं जोड़ सकती ना मैं, ऐसा कोई भी कोण नहीं जोड़ सकती कि उन दो कोणों का योग 180 डिग्री, 90 डिग्री हो जाए। तो ये संभव है ही नहीं कि दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो। इसी तरह समकोण भी एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, क्योंकि वो पहले से खुद ही 90 डिग्री का है ना? तो अभी समझ आया? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण हो गया, पूरक कोण के बाद आया संपूरक कोण,
जैसे पूरक कोण था, पूरक कोण में क्या था, योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, पर संपूरक मतलब कोण, वो योग जो है वो 180 डिग्री, पूरक योग 90 डिग्री और संपूरक योग 180 डिग्री। चलो अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि क्या दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं, बताओ चैट बॉक्स में। नहीं होंगे, वेरी गुड, शाबाश, दो न्यून कोण संपूरक नहीं होंगे। क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई भी आप एक न्यून कोण मान लो, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा न्यून कोण मान लो कितने डिग्री का हुआ, 89 डिग्री का। इसी में अगर मैं एक और ऐसा ले लेती हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगी तो 180 डिग्री से कम आएगा, बट मुझे कितना चाहिए, मुझे 180 डिग्री चाहिए, है कि नहीं। तो संपूरक कोण आया समझ, संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होते हैं, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पर। देखो 60 डिग्री और 120 डिग्री को हमने जोड़ा, इनका योग कितना आया, 180 डिग्री, इनका योग कितना आया, 180 डिग्री। म्यूट करो अपने आप को, हम ये आवाज कर रहे हैं इसमें पढ़ने, कर दिया मैंने, 180 डिग्री। अब जल्दी से ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मुझे पता चलेगा कितना समझ आया है आपको, कितना नहीं, मैं भी चैट ऑफ कर दूंगी। म्यूट करके पढ़ो बच्चे। चलो जल्दी से इसका पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, बट ठीक है। मैम पूरा कौन, पूरा हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, पूरा कौन मैम, स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं आ रहा। बच्चे फिर से आप ना क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन करो, ये स्क्रीन पर यही लगा हुआ है, आ जाएगा फिर। ओके ठीक है, चलो चैट बॉक्स में भी आंसर करो जाकर, खोल दिया मैंने चैट बॉक्स। तो सभी बच्चे लिख रहे हैं इसका ऑप्शन है ए। पूरक कोण कौन से होते हैं जिनका योग जो है, जिन दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपने देखा 23 जमा 67 कितना हुआ, 23 जमा 67 मैम कब तक पढ़ाओगे, 90 डिग्री। ठीक है,